देवी महाकाल रात्रे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के सातवें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माता सती की 10 महाविद्याओं में महाविद्या धूमावती उनकी सप्तम महाविद्या है और ये माँ सती के 10 रूपों में से सातवां रूप मानी जाती है, जो कि माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती है और विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का रूप है, जिन्हें अनिष्ट के रूप में देखा गया है। माता रानी का ये रूप सुनकर आप भी धूमावती माता का रहस्य जानना चाहते होंगे कि आज के दिन माँ की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी मिलने वाली है। माँ धूमावती को विधवा का स्वरूप माना गया है। इनका वाहन कौवा है। श्वेत वस्त्र धारण कर ये माता अपने केश खुले रखती हैं। माँ की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है, लेकिन इनकी पूजा की जो भी पूजन सामग्री है वो उसी दिन विसर्जित की जाती है। इनकी स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। केवल मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। इनकी जगह पर आज के दिन आप माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। हालांकि माँ धूमावती से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से मनुष्य के सभी दुखों का और सभी पापों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती को बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। उस समय कैलाश पर्वत पर खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने भगवान शिव से खाने को भोजन मांगा, परंतु उस समय भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भूख से व्याकुल माँ ने बार बार भोजन की मांग की, परंतु समाधि में लीन होने के कारण जब भोलेनाथ ने जवाब नहीं दिया तो बढ़ती भूख के कारण बेचैन होकर माता पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के गले में विष होने से पार्वती जी का शरीर काला पड़ने लगा। विष का प्रभाव इतना भयंकर हुआ कि वो कुरूप दिखने लगी। भोलेनाथ को निगलने पर देवी के शरीर से धुआं भी निकलने लगा। तब भगवान शिव माया द्वारा देवी से कहने लगे कि देवी, धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हें अब धूमावती नाम से जाना जाएगा। साथ ही महादेव ने यह भी कहा कि तुमने मुझे निगल लिया है, तब तुम विधवा हो गई हो, अतः अब तुम इसी वेश में ही पूजी जाओगी। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर भी देवी को पूजा जाता है। धूमावती देवी की मूर्ति बड़ी मलिन और भयंकर दिखाई देती है। देवी का स्वरूप चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, वह संतान के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। पापियों को उनके कर्मों की, उनके पाप की सजा भी देती है। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं को माँ धूमावती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। आप केवल मानसिक पूजा भी माँ की कर सकते हैं। अगर आपने आज के दिन माँ की पूजा की है तो आप जो भी पूजन सामग्री है, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, फल फूल धूप दीप नैवेद्य, उन सभी का विसर्जन उसी रात को पूजा करने के बाद कर देना चाहिए। इनसे संबंधित पूजन सामग्री घर में नहीं रखी जाती है। कलश को छोड़कर आप बाकी जो भी फूल आपने चढ़ाए हैं, माँ को श्रृंगार यदि अर्पित आज के दिन जो किया है, यानी कि आज के दिन अर्पित की जाने वाली जो भी सामग्री है, आपको केवल उसी का विसर्जन करना है, ना कि उससे पहले अर्पित की गई सामग्री। सुहागिन महिलाओं को माँ के इस रूप की पूजा करने से डर भी लगता है, इसलिए जब कभी भी माँ के दर्शन करने की बात होती है तो सुहागिन महिलाएं दूर से ही इनका दर्शन किया करती हैं। यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप ऐसे में, यदि आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आज के दिन आप महाकाली माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। ऐसे में आप माँ धूमावती से हाथ जोड़कर क्षमा जरूर करें और अपने पति की लंबी आयु की कामना उनसे जरूर करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को जल पुष्प सिंदूर अक्षत कुमकुम फल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। लौंग और बताशे का भोग माँ को लगाना चाहिए। फिर माँ धूमावती के प्राकट्य की कथा पढ़ने के साथ ही आज के दिन आपको माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। सबसे अंत में पूजा में या व्रत रखने में हुई जाने अनजाने में की गई भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने के साथ ही आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके माँ कालरात्रि को अनार का और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ धूमावती का स्वरूप भले ही क्रूर हो, लेकिन ये अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं।
चाहे वो सुहागिन महिला हो या कोई भी महिला हो, कोई कन्या हो, सबकी पुकार सुनती है और सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो ऐसे में माँ से कभी डरना नहीं चाहिए। आज के दिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर की छत पर कौओं के लिए दाना पानी जरूर रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले दिन माँ के कौन से रूप की पूजा की जाती है ये जानने के लिए कृपया आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड चैत्र मास की जो नवरात्रि है तो उनमें आप माँ कालरात्रि की यदि वीडियो सर्च करेंगे तो आपको संपूर्ण पूजा विधि और आरती भी मिल जाएगी।